अगेन यू आर मोस्ट वेलकम एन आई विजन ई लर्निंग पाठशाला आपका पुनः मैं स्वागत करता हूँ ई लर्निंग पाठशाला में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका फिजिकल एजुकेशन और योग का मेंटोर हूँ मुझे तिवारी सर के नाम से जान जानते हैं लोग और आपका जो सब्जेक्ट कोड है 373 उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब तक जो भी चैप्टर्स हमारे हुए हैं उनमें पिछली सीरीज में चैप्टर सिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर का नाम है साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी अगर हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन कैसे साइकोलॉजी के साथ इंटरलिंक है और साइकोलॉजी कैसे एक खिलाड़ी को या एक छात्र को एक विद्यार्थी को कैसे प्रभावित करता है उसको हम लोगों ने पिछली सीरीज में देखा था आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगली सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे हमारे जो अपनी इंटरनल इंस्पिरेशन है वो हमको कैसे डाइवर्ट करती हैं कैसे हमें आगे की तरफ़ ले जाती हैं तो उस पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इसी चैप्टर का जो लेक्चर दो का पार्ट है उसका नाम है मोटिवेशन तो प्लीज़ कम इन द स्लाइड जैसा कि हम सभी देख रहे हैं आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हमारा चैप्टर है इसका अगला जो भाग है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी का सबसे पहले हमें समझना चाहिए अभी हम स्लाइड की तरफ न जाते हुए इसके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहेंगे पर्सनालिटी जो एक वर्ड है इसको लेके हम लोग कई बार कई जगहों पे अलग अलग सुनते हैं कि क्या जो हम पहनते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है क्या जो हमारा बॉडी फिजिक है स्ट्रक्चर है वो हमारी पर्सनालिटी है क्या हमारा बातचीत करने का तरीका अच्छा है वो हमारी पर्सनालिटी है और कैसे हम इसको वो करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो ये वर्ड लैटिन के परसोना वर्ड से निकला है परसोना का मतलब होता है इसको अगर हम दूसरे भाव उसमें देखें तो परसोना का मतलब होता है मुखौटा अगर हम पुराने समय की बात को देखें तो मुखौटा का मतलब जैसे लोग कोई नाटक करते थे कोई एक्ट करते थे तो उसमें मास्क लगा लिया करते थे आज तो मास्क हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया है लेकिन ये मास्क केवल हमारे मुंह को और नाक को ढक रहा है प्रोटेक्शन के लिए वो जो मुखौटा होता था उसमें जैसे किसी ने किसी चीज़ का मुखौटा लगा दिया तो उसी तरह वो दिखने लगता था किसी ने किसी चीज़ का लगा लिया तो उसी तरह दिखने लगता था यानी पर्सनालिटी को एक्सटर्नल आवरण के रूप में देखा जाता था और उसी को माना जाता था कि भाई ये इनकी पर्सनालिटी है लेकिन ये इससे हटकर है हम पर्सनालिटी को अगर देखें तो सबसे बड़ा जो उसका एस्पेक्ट है कि जो हमारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे प्रमुख हिस्सा है उसमें हमारा ड्रेसिंग सेंस भी आता है उसमें हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी आता है और उसमें हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण है बिहेवियर आता है कि हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं कैसे हम लोगों के साथ रहते हैं तो वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो लेट बी सी इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी अगर इसको हम समझें तो क्या कह रहा है सबसे पहले आप इस पे आइए फार ए ले the term personality means a good looking and attractive person attractive person many other things physical appearance often defines personality how an individual talks and interact with other are the indications of a गुड पर्सनालिटी इसको अगर हम देखें तो क्या कह रहा आप देखिए एक ले के लिए ले का भातला मतलब क्या होता है कि बहुत मान लीजिए वो जानकार नहीं किसी चीज़ के बारे में पढ़ा लिखा तो है लेकिन उस विषय के बारे में जानकार नहीं सब हम लोग जनरल भाषा भी करते हैं एज अ ले मैन ले मैन के मतलब जैसे मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है और इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है तो जो इसके एक्सपर्ट हैं वो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो हमसे मान लीजिए आपने कोई कमेंट किया कि सर आपने वहाँ गलती की तो हमने कहा भाई देखिए हम इसके बारे में एज अ ले मैन जानते हैं हम ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हम जानने का प्रयास कर रहे हैं तो एज अ ले मैन जैसे आप अपने आपको ले मैन कह लेते हैं तो एक डेफ भी आ जाती है कि आदमी बहुत ही फ्लैक्सीबल होकर या बहुत ही उस पर रह के अपने अपनी बात को कह रहा है इसके अंदर कोई एटीट्यूड या घमंड नहीं है तो एज अ ले मैन अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो व्यक्ति देखने में अच्छा लगे जो व्यक्ति ड्रेसिंग सेंस में अच्छा लगे वही पर्सनालिटी है तो उसको देखते कहते क्या पर्सनालिटी है देखने में कितना बढ़िया लग रहा है लेकिन अगर उसके हम आगे तो उसको हम अगर देखें तो फिजिकल अपेयरेंस एंड आप डिफाइंस पर्सनालिटी जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है पर्सनालिटी का पहला फैक्टर है लेकिन तीसरे पर अगर आते हैं तो कह रहा है कैसे हम दूसरों के साथ बात करते हैं कैसे हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है दैट इज़ अनदर फैक्टर ऑफ दी पर्सनालिटी पर्सन हु इज़ नॉट गुड लुकिंग आर नॉट वेल ड्रेस्ड आर डज नॉट इंटरेक्ट प्रॉपरली इज कंसीडर्ड टू हैव अ पुअर पर्सनालिटी फिर से ध्यान रखिएगा तीन फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं पहला आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए दूसरा आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए अब यह है कि इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर जो मोटा आदमी है उसकी पर्सनालिटी को हम क्या कहेंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन है इस पर इसको आप ही असेस करिए कि क्या जो जबिस आदमी है उसके बारे में आपकी क्या राय होगी या एक ले मैन की क्या राय होगी या एक जो उससे फेमिलियर नहीं उसकी क्या राय होगी ये जरूर है कि भाई देखिए आपने देखा कि ये कोई टीचर हैं या कोई ये जो है Uh, किसी अच्छी पोस्ट पर हैं या आपको उनसे मतलब है आप कमेंट तो नहीं करेंगे ना कमेंट करने का अधिकार तो किसी को नहीं है लेकिन आपके मन में क्या आएगा देख कर वो आप बेहतर समझ सकते हैं तो ये तीनों चीज़ें पर्सनैलिटी का वो हैं आइडेंटिटी हैं द एक्सटर्नल बिहेवियर आर कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू डिफाइन द पर्सनैलिटी समटाइम पर्सनलिटी इज अंडरस्टूड एज एक्वलेंट टू वंस कैरेक्टर बट साइंटिफिकली दिस इज़ नॉट अ ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब है कि हमारा ओवरऑल जो परसेप्सन है हमारी ओवरऑल जो प्रजेंटेशन है दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द पर्सनैलिटी नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी बाई दी ऑल यू नो दल दार्ट वी आर गोइंग टू सी पर्सनैलिटी इज अ डाइनमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम इसको आप देखिए क्या कह रहा है वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है साइको फिजिकल सिस्टम इसमें दोनों आ गया केवल ये फिजिकल की बात नहीं कर रहा है साइको की बात कर रहा है हमारी सोच हमारी धारणा और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर विच डिटरमाइन हर आबलिक हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हीज इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस पूरे पैरा को फिर से आप देखिए मैं इंसर्किल कर रहा हूँ इस पूरे पैरा को ध्यान से देखिए उसको जरूर आप अपने उसमें याद रखिए कि हर एक व्यक्ति की लाइफ का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैं रिपीट कर रहा हूँ पर्सनैलिटीज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आप दोज साइकोफिजिकल सिस्टम विच डिटरमाइन हर फीमेल हिज मीन्स मेल यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप रह रहे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं उनके साथ बेहतर तालमेल करके चलना पर्सनालिटी का सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल है इसका मतलब कि केवल अच्छी शरीर होना केवल अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना ये पर्सनालिटी का आइडियल एग्ज़ाम्पल नहीं है एक फैक्टर है लेकिन ओवरऑल नहीं नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट लाइट एज पर दाइकोलॉजिस्ट इट कैन बी डिस्क्राइब दैट द पर्सनैलिटी नॉट ओनली इन्वॉल्व द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट आल्सो इंक्लूड द ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर फिजिक एंड देयर सोशल एडजस्टमेंट विच इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लीज कम टू दिस पॉइंट मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिएगा ध्यान से देखिए देयर बिहेवियर फिजिक्स एंड देयर सोशल एडजस्टमेंट विच इज़ दिच इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे आप सोसाइटी में रह के एडजस्ट करते हैं पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्ड ए इनहेरिटेड टेंडेंसीज एज वेल एज एक्वायर्ड टेंडेंसीज इन्वामेंटल टेंडेंसीज आप इन्वायरमेंट बेसिकली इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आप पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन दी हेरिटी एंड एन्वायरमेंट अगर हम इस पॉइंट को पढ़ें बेटा इसको ध्यान से देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कैसे हेरिडिटी को हम जेनेटिकली उस पर लाते हैं कि हम हमारा जो संस्कार रहा है हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी एक पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स हमको वो करते हैं असेस करते हैं सिखाते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के मन में आती हैं और दूसरा किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ये एक अलग फैक्टर है आप देखिए आप इसको इस तरह लीजिए उसकी बात नहीं है कि अभी भी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया है उसको लेके रिजर्वेशन को लेके उसके अगर स्टडीज पर आप जाएंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि जो प्रतिभा है टैलेंट है उसके लिए कुल एक ही चीज़ जिम्मेदार नहीं है या एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए उन्होंने बताया है कि फैसिलिटीज, इन्वायरमेंट इसके बाद एजुकेशन उसका अपना टैलेंट ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बनाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं थे वो टैलेंटेड नहीं थे या उन्होंने अच्छा नहीं किया लेकिन अगर हो सकता है उनको सपोर्ट मिलता तो और अच्छा करते तो इसलिए ये भी दो फैक्टर्स हमारी पर्सनालिटीज़ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं गेम्स के थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू क्या क्या इसमें चीज़ें हम वो कर सकते हैं इन्वॉल्व कर सकते हैं तो उस पर ना जाकर अगर आप इस चार्ट पर देखें तो अगर हम इसके डेवलपमेंट को देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको दिख रहा है पहला है फिज़िकल डेवलपमेंट दूसरा है आपका कॉग्नेटिव डेवलपमेंट तीसरा है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट अगर आप इस सीरीज को आप देखें एक सर्किल की तरह जैसे कि सर्कल चल रहा है तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं अलग अलग फैक्टर्स या एरियाज़ हैं जिनके थ्रू जैसे पहला मतलब क्या है फिजिकल का मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट तो ग्रोथ जो ग्रोथ हुआ है वो कैसा है कॉगनेटिव हम किस उस पर आइडियाज़ पे वो कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी और ब्रेन का वो कैसा है सोशल एडजस्टमेंट कैसा है और हम इमोशनली कैसे हैं हम कैसा लोगों के बारे में सोचते हैं या हम सिचुएशन में कैसे रहते हैं पता लगा थोड़ी सफलता मिली बहुत ज़्यादा खुश हो गए थोड़ी सी तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो दीज आर आर दी फैक्टर्स ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर दी पर्सनालिटी यू नो द बेटर एग्जांपल ऑफ द एनी पर्टिकुलर पर्सन तो इनको सबको हमको जो है अपने आप को करना है आगे की तरफ इन्हांस करना है बढ़ाना है ठीक रखना है नाउ The development of the personality through physical education program, sports activity has been a topic of the interest for the sports psychologists right from the time the term came into existence. Psychologists identify the determinants which directly or indirectly influences the growth and development of the personality. Although there are a larger number of determinants which influence the development of personality, such determinants have been broadly ग्रुप इंटू फाइव जनरल कैटेगरीज एंड दीज आर हेयर अगर आप इसके तमाम उस पर जाएंगे इमोशनल के भी कई पार्ट मिलेंगे फिजिकल के भी कई पार्ट मिलेंगे कॉगनेटिव के भी अलग अलग डिवीजनस मिलेंगे न्यूरो मस्कुलर के अलग अलग डिवीजनस आपको दिखेंगे सोशल्स के तमाम करेक्टिस मिलेंगे इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें किसी गेम का जो कोई टीम में आप खेलने के लिए जाते हैं तो उनमें ये सारी के ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं सब की कहीं नहीं कहीं आपको रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसके बिना अगर ये पाँचों में कुछ कमी है तो फिर आप अपने टारगेट को यार आप उस तरह उसको अचीव नहीं कर पाएंगे इसलिए इन पाँचों का बैलेंस होना कोऑर्डिनेट करना बहुत ही इसेंशियल है इसीलिए इसको अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है कि आप इसको देख सकते हैं कि कहरा आल दो देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ़ डिटर्मिनेट्स मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन में है लिमिट में हैं फिक्स हैं इसलिए जो है इसी पे हम काम कर लें तो हमारी पर्सनालिटी हो जाएगी और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंडीशनल है ये आपको देखना है आपको सिचुएशन के हिसाब से सीखना है और सबसे बड़ी बात मैं बार बार ये कहता हूँ कि हर एक बच्चे को और नहीं ह्यूमन बींग्स को लिसनर बनना पहले ज़रूरी है हम लोग टॉकर ज़्यादा हैं लिसनर कम हैं जब तक हम लिसनर नहीं बनेंगे तब तक हम अच्छे टाकर नहीं बन सकते सुनने की आदत को डेवलप करना है सुनो सोचो फिर डिलीवर करो इस फैक्टर को लेके चलिए पहले सुनिए फिर सोचिए फिर आगे बढ़िए नाउ देर इज गिविन दिन अदर थिंग्स यू कैन गो दी दिसट स्पोर्ट्स इज अंडर स्टूडेंट आर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट द फिजिकल फिटनेस मेंटल वेलबींग एंड सोशल इंटरेक्शन स्पोर्ट्स इंक्लूड्स प्ले रिक्रेसन कैजुअल एंड ऑर्गनाइज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड इंडिजनस स्पोर्ट्स ऑफ गेम्स एथलीट्स मे हैवे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स इज़ मीडियम फॉर एथलीट डेवलपमेंट इन विच दे डेवलप नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली सोशली एंड कॉगटिटिवली जब आप खेलते हैं तमाम सिचुएशन ऐसे आती है कि भाई फिजिकल तो आपको करना ही करना है आप इमोशनली ब्रीच होते हैं सोशली आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चे आते हैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट से कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेवलप करने का ग्रो करने का चांस मिलता है आप सीखते हैं इसीलिए एक एग्ज़ाम्पल को लीजिए स्पोर्ट्स मैन को माना जाता है कि वो किसी भी सिचुएसन में एडजस्ट कर सकता है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तब आप छोटे रहे होंगे ये स्टोरी है नाइन्टी नाइन्टी वन नाइनटी नाइन्टी नाइन्टी वन नाइन्टी नाइन्टी टू की है तब सौरव गांगुली जो अभी इस समय बी प्रेसिडेंट हैं उस समय उनका एक तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्शन हुआ था और उस समय शायद कैप्टन कपिल देव या श्रीकांत जी थे कपिल देव जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और उनका उनके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि ही वाज़ द जस्ट फर्स्ट ऑलराउंडर इन द क्रिकेट इंडियन क्रिकेट जिसने बॉलिंग भी अच्छी किया बैटिंग भी अच्छी किया और उनकी कैप्टेंसी में सबसे पहले 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वो पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में क्योंकि इन लगातार वेस्ट इंडीज़ जीत रही थी 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ जिसको वेस्ट इंडीज़ ने जीता फिर 1979 में दूसरा वर्ल्ड कप हुआ फिर उसको वेस्ट इंडीज़ ने जीता और उसके बाद नाइनटीन में तीसरा वर्ल्ड कप था और वेस्ट इंडीज़ फिर से फाइनल में थी लेकिन इंडिया ने इंडीज को डिफ़ीट करके फाइनल जीता और इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी आप समझिए कि एक मैच था इसका इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ जिम्बाब्वे टीम भी आजकल वर्ल्ड कप में नहीं आ रही है तमाम उनकी कुछ अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसमें का इंडिया का पच्चीस रन पर पाँच विकेट गिर गया था और वहाँ से कपिल देव ने वनडे दे मैच का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था उसमें वन रन नॉट आउट दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत दिनों तक चलता रहा बाद में तमाम लोगों ने उसको ब्रेक किया आजकल तो कई प्लेयर्स ने डबल सेंचुरी लगाई है तो सौरव गांगुली जो है वो एक्स्ट्राज में थे और कपिल देव बैटिंग करके वापस आए और उन्होंने सौरभ गांगुली को बोला कि भाई वो बाटल दे दो पानी पीने के लिए और सौरभ गांगुली ने मना कर दिया बोला मैं पानी पिलाने की थोड़ी आया हूँ यहाँ पे क्योंकि सौरभ गांगुली बहुत रिच फैमिली से थे और लैंडलाट के बच्चे थे तो उन्होंने बोला कि मैं पानी पिलाने के लिए थोड़ी आया हूँ और उस इंसिडेंट के बाद 92 से लेके 95 तक सौरभ गांगुली को इंडियन क्रिकेट टीम में चांस नहीं मिला इसलिए नहीं वो को, कोई इंसिडेंट था वो था कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो सोशल एडजस्टमेंट आपको करना है चाहे आप किसी के बच्चे हों क्रिकेट तीम मतलब टीम मतलब टीम उसमें ये नहीं होगा कि ये बड़े घर के बच्चे हैं छोटे घर के तो ये जो सोशली एडजस्टमेंट की बात करता है दैट इज़ कम्स इन द स्पोर्ट्स ओनली देर फॉर द स्पोर्ट्स हैज बीन फॉलोड बाई द मेनी डिफरेंट सोसाइटीज़ लेट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ़ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कॉगरेटिव न्यूरोमस्कुलर सोशल एंड इमोशनल आस्पेक्ट विच हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल वी आर कमिंग विद दिस वन कि कैसे इसको आप देख सकते हैं दीज आर द थिंग्स यू कम इन दिस वन फिजिकल सोशल कॉगरेटिव इमोशनल एंड साइकोमोटर ये पांच आपके जो डेवलपमेंट हैं एक सीरीज में दीज आर पार्ट ऑफ दी पर्सनालिटी चाहे आप इसको लीजिए ये भी एक मेन फैक्टर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ये और ये ये सभी जानते हैं ये हमारे फिजिकल उसकी बात कर रहा है ये सोशल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि हम कैसे अपनी को रखते हैं सोच रखते हैं बातचीत करते हैं कैसे रखते हैं इमोशनल ये है कि कैसे मर्जेस वो रहते हैं अपने आप को कंट्रोल करते हैं और साइको मोटर का मतलब है बैलेंस इट्स कॉल द बैलेंस कि कैसे हम बैलेंस करते हैं अगर हम देखें तो ब्रेन को ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं उसका हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन है कि नहीं दिच फाइव्स आर यू नो दॉइंट्स विच आर हेयर इन दी स्लाइड फिजिकल सोशल कॉग्नेटिव इमोशनल एंड साइकोमोटर तो दिच वे आर द यून द पॉइंट्स इन दिस लेक्चर नाई आई एम गोइंग टू जस्ट क्लोज माई लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वॉज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसके बाद हम अगले जब टॉपिक पे आएंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा वो दूसरे उस पर होगा इसी चैप्टर में और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज दैट विल बी रिलेटेड विद दी मोटिवेशन कि कैसे अगर हमारी पर्सनालिटी तो ठीक है लेकिन हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं तो बिफोर एंड माई लेक्चर मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि केवल हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा भी हम इस आर्गनाइजेशन के से जुड़कर इस आर्गनाइजेशन के साथ कनेक्ट होकर बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं जिनमें हमारी इंजीनियरिंग मेडिकल और डिफेंस के तमाम ऐसे कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं इनको आप वो करिए बेनिफिट बेनिफिट्स लीजिए ऐप के थ्रू जोड़कर उसके अलावा अपने सजेशन हमको दीजिए हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है उस पर हम जरूर वर्क करेंगे और ये आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है आप इसको देख सकते हैं आप इस पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके और वेबसाइट के थ्रू आप अपने सजेशंस को वो कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं देख सकते हैं थैंक यू जय हिंद